हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसका स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसको जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना आप साइट पे कोई भी काम आपके लिए कराना काफी दिक्कत का काम हो सकता है। क्योंकि हम कहीं भी कास्टिंग करते हैं कंक्रीट की, तो उससे पहले उस कंक्रीट का स्लम टेस्ट जरूर किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को कहीं भी स्किप आप मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं उसका स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, स्लम टेस्ट होता क्या है? तो स्लम टेस्ट जो होता है वो कंक्रीट के वर्केबिलिटी को बताता है कि मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या है। मतलब ये जो टेस्ट किया जाता है कंक्रीट के लिए, ये स्लम टेस्ट हम कंक्रीट का क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो कंक्रीट का जो स्लम टेस्ट करते हैं वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हम कंक्रीट का स्लम टेस्ट करते हैं। वैसे कंक्रीट के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट होता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जो कि फ्रस्टम के आकार का होता है। फ्रस्टम के आकार का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे आपने बाल्टी देखा है, तो बाल्टी जो होता है ऊपर से भी कटा होता है, नीचे से भी कटा होता है, तो उसी टाइप का एक ये हमारा ऑपरेटर्स होता है, उसी के द्वारा हम लोग मतलब स्लम टेस्ट फाइंड करते हैं। तो इसका जो नीचे का जो डाया होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है और इसके जो ऊपर का डाया होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, और इस ऑपरेटर्स की जो टोटल हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। और इसके साथ साथ एक लोहे की रॉड का भी यूज करते हैं, जो कि 16 mm डाया की होती है और 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इस रॉड का जो मेन काम है, मतलब कि इसमें जब हम लोग कंक्रीट का टेस्ट करते हैं तो उसके दौरान कंक्रीट की कुटाई की जाती, तो उसी कुटाई के लिए हम लोग इस रॉड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कंक्रीट का स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी कंक्रीट का आपको स्लम टेस्ट करना है, जैसे मान लिया कि M20, M30, M35, M40, मतलब जिस भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपको मतलब स्लम टेस्ट करना है, जैसे मान लिया कि आप स्लैब कास्ट करवा रहे हैं या फिर बीम कॉलम या फुटिंग कास्ट करवा रहे हैं, तो उससे पहले आपको कंक्रीट कास्ट करने से पहले उसका स्लम टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से धुलकर साफ कर लेना है। धुलकर साफ करने के बाद उसके अंदर उसको सूती कपड़े से पोंछ लेना है। सूती कपड़े से पोंछने के बाद उसमें तेल या ग्रीस लगा देना। तेल या ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो सतह है उसमें कंक्रीट टेस्ट के दौरान चिपके ना। तो आइए देखते हैं कि स्लम टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप इसको धुल के सूती कपड़े से पोंछ के तेल और ग्रीस लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ऑपरेटर है इसको आपको एक प्लेन सर्फेस के ऊपर रख देना है। प्लेन सरफेस के ऊपर आपको रख देना है। अब क्या करना है कि जिस कंक्रीट का आपको स्लम टेस्ट करना है उसका आप सैंपल ले लीजिए। तो दोस्तों, पहले IS कोड क्या कहता था कि स्लम टेस्ट करने के लिए आपको जो कंक्रीट फिल करनी है ऑपरेटर्स में, वो 4 लेयर में फिल करनी है। लेकिन अब IS कोड ये कहता है कि अब हम लोग स्लम टेस्ट करने के लिए जो ऑपरेटर्स में कंक्रीट फिल करते हैं वो 3 लेयर में फिल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऑपरेटर्स की जो टोटल हाइट है वो आपकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंक्रीट का जो सैंपल है उसमें उस सैंपल को ले लीजिए और इस ऑपरेटर्स में 10 सेंटीमीटर की हाइट तक, मतलब इस ऑपरेटर्स में 10 सेंटीमीटर की हाइट तक पहला लेयर कॉन्क्रीट का आप फिल कर दीजिए। मतलब इस ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपको 10 सेंटीमीटर की मोटाई की कंक्रीट की लेयर उसमें बैठानी है या मतलब भरनी है। तो इस प्रक्रिया के दौरान आपका ऑपरेटर्स हिलना नहीं चाहिए, सरकना नहीं चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप जब इसमें 10 सेंटीमीटर का लेयर भर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपकी टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड से उसकी 25 बार कुटाई करनी है। तो इसमें 10 सेंटीमीटर मोटी लेयर भरने के बाद आपको टैंपिंग रॉड से 25 बार कुटाई करनी है। कितनी बार,
25 बार आपको कुटाई कर रही है। तो जब 25 बार आप कुटाई कर देंगे तो फिर अगला प्रोसेस क्या है, आपको फिर 10 सेंटीमीटर का दूसरा लेयर डालना है इस ऑपरेटस के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, उसी सैंपल का फिर 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की लेयर आप इसमें डालेंगे और फिर वही प्रोसेस आपको टैंपिंग रॉड से फिर 25 बार कुटाई करनी है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप दूसरा लेयर डालने के बाद टैंपिंग रॉड से जब आप कुटाई करेंगे तो वो टैंपिंग रॉड जो है वो पहले लेयर तक पहुंचना चाहिए। ये आपका मतलब ये स्लम टेस्ट का प्रिंसिपल कहता है। अब पहली दूसरी लेयर डालने के बाद अब आपको क्या करनी है, फिर तीसरी लेयर डालनी। तो तीसरी लेयर की भी जो थिकनेस रहेगी वो आपकी टोटल 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि टोटल हाइट जो है इस ऑपरेटस की 30 सेंटीमीटर। तो तीसरी लेयर भी आप 10 सेंटीमीटर मोटी डालेंगे और उसके बाद स्टैंपिंग रॉड से उसकी 25 बार कुटाई करेंगे। और तीसरी लेयर की कुटाई करने के दौरान भी आपका जो टैंपिंग रॉड है वो पहले लेयर या दूसरे लेयर तक 100% जाना चाहिए, तभी कंक्रीट की अच्छी से कुटाई हो पाती है। तो जब तीसरे लेयर की भी कुटाई हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि ऑपरेटर्स के ऊपर जो बिखरी हुई कंक्रीट होती है उसको करनी से साफ कर देना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि ऑपरेटर्स में जब कंक्रीट भरते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब एक फिक्स क्वांटिटी का मतलब क्या कहते हैं फिक्स क्वांटिटी का एक आइडिया नहीं मिल पाता है, तो इसके बाद हम लोग कॉन्क्रीट को करनी से साफ कर देते हैं ऊपर की लेयर को और उसको करनी से प्लेन कर देते हैं। तो प्लेन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब जो आपका ये ऑपरेटस है इस ऑपरेटस को आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है, तेजी से नहीं, झटके से भी नहीं, धीरे धीरे ऊपर उठाना है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस ऑपरेटस को ऊपर उठाएंगे तो कॉन्क्रीट जो है धीरे धीरे फैलेगी, मतलब धीरे धीरे नीचे गिरेगी, लेकिन नीचे गिरते गिरते एक समय के बाद वो स्थिर हो जाएगी। स्थिर हो जाएगी मतलब रुक जाएगी। तो जैसे मान लिया कि आपने कंक्रीट का ये ऑपरेटस फिल करने के बाद आपने इस ऑपरेटस को उठा लिया, तो जैसे मान लिया कि जो आपकी कंक्रीट है वो फैल के यहाँ पे बैठी, इतने हाइट तक आपकी बैठ गई, और मान लिया कि ऑपरेटस की जो हाइट है वो आपकी है ये आपका मान लीजिए कि ऑपरेटस का हाइट है जो टोटल है आपका 30 सेंटीमीटर। और मान लिया कि आपने जब इस ऑपरेटस को उठाया तो जो कंक्रीट आपकी बैठी है वो बैठते 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 इस हाइट तक आपकी आके बैठ गई है। तो दोस्तों बस यहीं पे जो है जो खेल है यहीं पे है, मतलब कि ये जो कंक्रीट की जो मैक्सिमम ऊंचाई है मतलब जो हाइट है आप इसको फाइंड कर लीजिए, मतलब नाप लीजिए। और ये ऑपरेटस की ऊंचाई आप जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर होती है, तो आपको क्या करना है कि ये जो कंक्रीट की जो मैक्सिमम ऊंचाई है इसके बॉटम से उसी हाइट को आपको 30 सेंटीमीटर से माइनस कर देना है। तो 30 सेंटीमीटर कंक्रीट की जो मैक्सिमम ऊंचाई है जब आप उसको ऑपरेटस के टोटल हाइट से जब आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही उस कंक्रीट का स्लंप वैल्यू होगा। तो जैसे मान लिया कि इस कंक्रीट का 30 सेंटीमीटर है, तो आप इसको मान लीजिए 30 सेंटीमीटर को आप 300 mm भी कह सकते हैं, 300 mm। तो जैसे मान लिया कि इस कंक्रीट की जो टोटल हाइट है ये आपकी आ रही है 200 mm। तो अब आपको क्या करना होगा कि स्लंप वैल्यू निकालना है, तो इसलिए स्लंप वैल्यू तो स्लंप वैल्यू आपका हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ ऑपरेटस माइनस मैक्सिमम हाइट ऑफ कंक्रीट। तो टोटल हाइट ऑफ ऑपरेटस जो है आपका वो 300 mm है और माइनस आपको करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ कंक्रीट। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ कंक्रीट आपने जो मेजर किया है या नापा है जो साइट पे वो आपका 200 mm आ रहा है, तो ये हो गया आपका 200। तो आपको माइनस करने पे आ रहा है टोटल 100 mm। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो कंक्रीट है उस कंक्रीट का जो स्लंप वैल्यू आया वो आया कितना, 100 mm आया। तो दोस्तों उससे इस तरह इस ऑपरेटर्स के माध्यम से आप किसी भी कंक्रीट का स्लंप वैल्यू आसानी से साइट पे ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि स्लंप वैल्यू स्लंप टेस्ट जो है कंक्रीट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट को किए बिना आप कंक्रीट का यूज साइट पे नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे और भी एग्जाम्पल बता दे रहा हूं जिसके लिए स्लंप के वैल्यू जो है वो क्या क्या है। तो वो ये होता है कि बीम और स्लैब के लिए जो स्लंप का वैल्यू होता है वो 50 से 100 mm होता है। बीम और स्लैब के लिए स्लंप वैल्यू 50 से 100 mm होता है। कॉलम और रिटेनिंग वॉल के लिए स्लंप वैल्यू 75 से 150 mm होता है। और जो
डेक्स ऑफ ब्रिज, ब्रिजेस जो आपने ब्रिज देखे होंगे, तो ब्रिज के जो डेक्स, उसके नीचे के जो डेक्स बनाए जाते हैं, उसके लिए जो स्लम्प का वैल्यू होता है वो 30 mm से लेके 75 mm तक होता है। और वाइब्रेटेड कॉन्क्रीट, तो एक वाइब्रेटेड कॉन्क्रीट भी होती है हमारी, तो वाइब्रेटेड कॉन्क्रीट का जो स्लम्प वैल्यू होता है वो होता है आपका 12 से 25 mm। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बड़े आसानी से किसी भी कॉन्क्रीट के लिए स्लम्प का जो स्लम्प टेस्ट जो होता है कॉन्क्रीट का, वो आसानी से कर लिया। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।